में तेलंगाना और पड़ोसी आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। रविवार सुबह के सुमंद्र मंडल के तल्ला पुष्पल्ली गांव के बाहरी इलाके में रेलवे ट्रैक बह गया। इसके चलते केसमुद्रम और महबूबाबाद रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन सेवाएं भी रोक दी गई। इसी तरह बाढ़ और बारिश की स्थिति ने विजयवाड़ा वारंगल मार्ग पर ट्रेन सेवाओं को प्रभावित किया है। विजयवाड़ा के पास एक स्थानीय नाले के उफान पर आने से ट्रैक डूब गया, जिसके बाद विजयवाड़ा खम्मा मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई। वहीं तेलंगाना सरकार ने सोमवार को पूरे राज्य में सभी शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी भी घोषित कर दी है। शनिवार रात से ही भारी बारिश ने पूर्ववर्ती वारंगल जिले को तबाह कर दिया, जिससे झीले और तालाब उफान पर है। महबूबाबाद जिले के कुरावी मंडल का नल्लेला गाँव शनिवार देर रात जलमग्न हो गया। दो दशकों में यह पहली बार है जब गाँव में इतनी भीषण बाढ़ आई है। नल्लेला गाँव के निवासियों ने पाया कि बाढ़ के पानी के तेजी से बढ़ने के कारण उनके घर डूब गए हैं। कई ग्रामीण चौक कर जाग गए और उन्हें सुरक्षा के लिए ऊंची जगहों की तलाश करनी पड़ी और कुछ लोग छतों पर चढ़ गए।